आश्रम। मस्त राम बाबा की जय, मस्त राम बाबा की जय। पीपली नामक गांव के सब लोग सिर्फ यही नारा लगा रहे थे। दूर दूर से लोग आ रहे थे और मस्त राम बाबा के आश्रम जा रहे थे। ये सब देखकर सोनिया अपनी पड़ोसन विमला से कहती है, दीदी आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? अरे तुझे नहीं पता, हमारे गांव के आश्रम में बहुत प्रसिद्ध और तपस्वी बाबा मस्त राम आए हैं। क्या बाबा मस्त राम? ये कौन से बाबा हैं जिनका नाम भी इतना अतरंगी है? हाँ तो मादर चोद, उसको जाके बोल ला, मुझे क्या बोल रहा है। सिर्फ नाम ही नहीं, उनके काम भी अतरंगी हैं। हमारे गांव की सभी गरीब बच्चियों को उन्होंने नौकरी दिलवाई है अपने आश्रम में, और जिन औरतों के बच्चे नहीं होते थे, बाबा की कृपा से सबके आज बच्चे हैं। अच्छा, इतने चमत्कारी बाबा हैं। तो चलो दीदी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर सोनिया विमला और गांव वालों के साथ आश्रम पहुँच जाती है। वहाँ जाकर सोनिया देखती है कि बाबा मस्त राम ध्यान में लीन थे। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, रुद्राक्ष की माला गले में, ये दृश्य देखकर सोनिया भी बाबा की शरण में आ जाती है। फिर बाबा अपनी आंखें बंद करते हुए ही बोलते हैं, बेटी सोनिया, तुम अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। बस उसे हमारे पास लेकर आना, हम उसे भी आशीर्वाद दे देंगे। गांडू किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो, गांडू किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो। बाबा आपको कैसे पता मेरा नाम? और मैंने आपको अपनी समस्या बताई भी नहीं, और आपने उसे दूर भी कर दिया। आपकी जय हो बाबा। फिर सोनिया विमला के साथ घर चलने लगती है और रास्ते में उनसे बोलती है, दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बाबा से मिलवाया। वो सच में बहुत तपस्वी हैं, बिना कुछ बोले ही मन की बात जान लेते हैं। हाँ, मेरे बाबा सबके सुख दर्द दूर करते हैं, तभी तो दूर दूर से लोग आते हैं। स्नेहा को बाबा के बारे में बताती है, उनसे मिलने को भी बोलती है, पर स्नेहा को इन सब चीजों में इतना विश्वास नहीं था। फिर भी वो अपनी माँ के कहने पर वहाँ चली जाती है। दोनों आश्रम में पहुँच जाते हैं और बाबा स्नेहा को आशीर्वाद देने के बहाने उसकी कमर पर गलत तरीके से हाथ लगाते हैं। स्नेहा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। घर पहुँच कर इससे पहले स्नेहा कुछ बताती, उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। ये क्या तरीका था स्नेहा, तुम ऐसे वहाँ से क्यों आ गई? बाबा क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उनका इतना अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुझे कल ही उनसे माफी मांगनी होगी। पर माँ। पर वर्क कुछ नहीं, चलना है मतलब चलना है, समझी? अगले दिन फिर से सोनिया अपनी बेटी को लेकर बाबा के पास पहुंच जाती है। बाबा इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई, ये अभी नादान है। कोई बात नहीं बच्चा, पर हमें लगता है कि तुम्हारी बेटी पर किसी का बुरा साया है, इसे कुछ दिन आश्रम में ही छोड़ दो, हम सब सही कर देंगे, वरना इसकी मृत्यु निश्चित है। जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था? नहीं नहीं बाबा, ऐसे मत बोलिए, ये मेरी इकलौती संतान है, इसे बचा लो बाबा, मैं आज ही इसे आपकी शरण में छोड़ देती हूँ। स्नेहा अपनी माँ को बहुत मना करती है, पर उसकी माँ उसकी एक बात नहीं सुनती। फिर रात को स्नेहा सो रही होती है, तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसे छू रहा था। स्नेहा तभी उठ जाती है और सामने देखकर चौंक जाती है, वो कोई और नहीं मस्त राम बाबा थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। तभी स्नेहा गुस्से से बोलती है, बाबा आप इतनी रात में यहाँ, और मुझे ऐसे छूने का क्या मतलब? बाबा स्नेहा को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, बाबा हम दिन में हैं, रात्रि में हम भी इंसान हैं और हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं। छी, तुम खुद को बाबा बोलते हो और इतनी गंदी सोच, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ और सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। कहाँ जाओगी तुम? ये मस्त राम बाबा का आश्रम है। ए मादर चो, अपना काम करना। यहाँ इंसान आता तो अपनी मर्जी से है, पर जाता सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्जी से है। फिर बाबा एक तकिए से स्नेहा का मुंह दबा देते हैं और अपने भक्तों के अटूट विश्वास और सोनिया की श्रद्धा का मजाक बना देते हैं। एक हैवान की तरह अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ अपनी हवस मिटाता है। फिर रुको जरा, सबर करो। वहाँ से चला जाता है। स्नेहा बहुत रोती है,
अगली सुबह स्नेहा की माँ उससे मिलने आती है, पर बाबा का सबसे खास चेला उससे बोलता है, मस्त राम बाबा की जय हो। भाई साहब, मुझे मेरी बेटी स्नेहा से मिलना है। अच्छा, आप उस प्यारी बच्ची की माँ हो, पर वो तो पास के गांव में गरीबों की सेवा के लिए गई है। बहुत ही समझदार है आपकी बच्ची, जब से आई है बाबा की तो परम भक्ति बन गई है। श्रम से चली जाती है और उधर अब रोज स्नेहा को बाबा की हैवानियत झेलनी पड़ रही थी। तभी आश्रम में एक अनोखी नाम की लड़की आती है जो बहुत सुंदर थी। जब बाबा ध्यान में अकेले थे तो अनोखी उनसे मिलने आती है। बाबा, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी परम शिष्य बनना चाहती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। क्यों नहीं बच्चा, तुम बन सकती हो। फिर अनोखी बाबा के करीब आने की कोशिश करती है, पर बाबा को कुछ समझ नहीं आता कि इतनी सुंदर लड़की खुद ही उनके पास क्यों आ रही थी। फिर बाबा उससे बोलते हैं, ये क्या कर रही हो तुम बच्चा? आपको सुख प्राप्त करवा रही हूँ बाबा। इतना सुनकर बाबा खुश हो जाता है, पर तभी वहाँ अन्य भक्त आ जाते हैं। फिर अनोखी धीरे धीरे बाबा की सबसे खास और करीबी शिष्य बन जाती है, जिन पर बाबा आंख बंद करके विश्वास करते थे। एक दिन अनोखी बाबा से कहती है, बाबा जब हम दोनों अकेले हों तब भी इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों? मुझे आपके साथ कुछ खास समय बिताना है, क्या आप ऐसा नहीं चाहते? तभी बाबा अपने खास चेले को बुला लेते हैं और उससे कहते हैं, बेटा रामपाल, आज रात मेरे कक्ष के बाहर सुरक्षा नहीं होगी और तुम भी जाओ यहाँ से, सुबह ही आना, मुझे कुछ समय अकेले बिताना है। पर बाबा, सुरक्षा के बिना आप पूरी रात कैसे रहोगे? आपको खतरा हो सकता है। ए माधर चुप, अपना काम करना। मुझे कोई खतरा नहीं है और तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा हुक्म है। फिर बाबा के सब चेले और सुरक्षा कर्मी चले जाते हैं, सिर्फ बाबा और अनोखी रह जाते हैं। जैसा तुम चाहती थी मेरी जान, अब सिर्फ हम दोनों हैं। अब बाबा को अपना जादू दिखाओ। अनोखी बाबा के करीब जाती है और बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी वहां स्नेहा एक रस्सी लेकर आती है, जिससे स्नेहा और अनोखी मिलकर बाबा के हाथ पैर बांध देते हैं। स्नेहा तुम यहाँ, और ये सब क्या है? मुझे रुको, जरा सबर करो। एक क्यों बांधा है? अभी मैं अपने चेलों को बुलाता हूँ। बुला ढूंगी बाबा, किसको बुलाएगा? कोई नहीं सुनेगा तेरी आज, जैसे किसी ने मेरी नहीं सुनी थी। मुझे माफ कर दो बेटी, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। तू अब सच में कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि तू कुछ कहने के लिए जिंदा ही नहीं होगा।